नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जिन लोगों का डाटा लॉस्ट हो जाता है, हार्ड डिस्क का डाटा डिलीट हो जाता है, पेन ड्राइव का डाटा डिलीट हो रहा है, मेमोरी कार्ड का डाटा डिलीट हो जाता है, तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये आप सामने देख रहे हैं गूगल के ऊपर, अपने गूगल के ऊपर जाना है और अपने इसमें डालना है टेस्ट डिस्क। ये आप डालोगे तो आप सर्च करते आपको नीचे आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा www.cgsecurity.org। ये एक ऐसी संस्था है जो आपको फ्री में डाटा रिकवर करने का सॉफ्टवेयर देती है, मगर ये है कि रिकवर करने का सॉफ्टवेयर है, मगर उसको यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो आप इस वीडियो को सभी ध्यान से देखेंगे और ध्यान से आपने सीखना है कि कैसे हमने रिकवर करना है और ये कहाँ पर इंस्टॉल होता है। ये जैसे डाउनलोड करते हैं तो आपकी डाउनलोड फाइल के अंदर आता है, तो मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ। अभी मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये ऐसा आ गया है। तो दोस्तों, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये नीचे बता रहा है विंडो NT है या 2000 है, ये XP है या 2003 है, ये बिस्ता है 2008 है, 86 बिट है, 64 बिट है, विंडो 10 है, तो ये नीचे लिखा हो सब कुछ। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। ये मैक है तो मैक के लिए आपको इसके नीचे जा सकते हैं, तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। अब जैसे हम डाउनलोड करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है इसलिए आपको स्लो दिख रहा है। अब मैं बताऊं कि मुझे करना है मेमोरी कार्ड का डाटा, तो ये है मेरा मेमोरी कार्ड, ठीक है? तो मेमोरी कार्ड है आपके सामने, है 2 GB का मेमोरी कार्ड है और बिल्कुल खाली पड़ा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका डाटा जो है डिलीट हो गया, ये फॉर्मेट मार दे मैंने इसको। तो अब मैंने इसको रिकवर करना है, कैसे करना है तो ये अब मैं खोल कर दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों, जैसे अपने ये सॉफ्टवेयर के ऊपर टिक करना है 7.1, ये डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद अब आपने देखना है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, जैसे ये है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था तो ऐसे आ गया, तो मैं इसको अभी आपको मिलेगा, तो डाउनलोड करते हो तो आपको मिलता है सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर यहाँ पर डाउनलोड के बीच में, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। 18 MB का सॉफ्टवेयर है, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसको आपने ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है और नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर फाइल दिख रही है, फोटो क्यू फोटो रिकवरी अंडरस्कोर विन, ये नीचे देखोगे, मैं बता रहा हूँ आपको एरो से, ये ऊपर है एक नीचे है, नीचे वाली फाइल के ऊपर ऊपर आपने क्या करना है, ऊपर। अब ये कह रहा है कि इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ पर आप इंस्टॉल करना चाहिए, मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ पहले इसको, ये जिप फाइल है तो मैं इसके लिए लोकेशन देता हूँ, मैं इसके लिए लोकेशन देता हूँ, मान लो कि मैंने इसको ई ड्राइव के अंदर डाल दिया, ई ड्राइव के अंदर कुछ नहीं है, मैंने फोल्डर बना दिया है, और इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता, एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ नीचे से, ये नीचे एक्सट्रैक्ट है, ये आपको करना है तभी ये आगे होगा। अब ये फाइल खुल जाएगी, अब ये देखो कि ये फाइल मेरी यहाँ आ गई है, तो मैं इसको वहीं से ई ड्राइव में दिखाता हूँ आपको। अब माई कंप्यूटर पर गए, माई कंप्यूटर पर आपने देखा ई ड्राइव, ई ड्राइव के अंदर हमने इसको ये कहा, ये इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब आपने इसको कैसे चलाना है, रन पर जाना है, इसको ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है अपने, इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है, ध्यान से देखना है कि मैं अब क्या करूँगा, कैसे रिकवर करते हैं।
अब ये जो फाइल आपको वहाँ पर वाइट में दिख रही थी, अब ये दोनों ब्लैक में होगी, येलो और ब्लैक में। तो अब पहले बार तो हमने नीचे वाली फाइल को यूज़ किया है, अब हम ऊपर वाली फाइल को यूज़ करेंगे। अब ऊपर वाली फाइल को हम ओपन करेंगे, फोटो रिकवरी अंडरस्कोर बिन, ओपन कर दिया, यस कर दिया। ये दोस्तों सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो गया है। अब ये बता रहा है, एक तो आपका पेन ड्राइव लगा हुआ है किंगस्टन का, हार्ड डिस्क आपकी 500 GB है, ये आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है। सेकंड आपका मैश स्टोरेज डिवाइस, ये आपकी मेमोरी कार्ड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 2002 MB दिखा रहा है, 1910 MB दिखा रहा है, कुछ नहीं, जीरो है। तो हमने डाटा रिकवर कैसे करना है? तो दोस्तों यही चीज़ आपके लिए सीखने वाली है। अगर आप हार्ड डिस्क का करोगे तो हार्ड डिस्क के ऊपर आपने इंटर मारना है, पेन ड्राइव का करना है तो पेन ड्राइव के ऊपर इंटर मारना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पेन ड्राइव है, इसके ऊपर इंटर मार दोगे तो पेन ड्राइव का रिकवर हो जाएगा। अगर पेन ड्राइव की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा तो डिलीट हुआ मेमोरी कार्ड का, तो मैश ड्राइव है। तो मैंने इसको इसके ऊपर मार दिया है मैश स्टोरेज, इंटर मार दिया। इसके बाद अब ये कह रहा है नो नेम, तो हमने क्या करा है, नो पार्टीशन, पार्टीशन इसमें कुछ भी नहीं है, तो हमने नो पर चले गए हम। होल डिस्क अपने ये ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर आपने होल डिस्क लिखा होगा, आपने उसके ऊपर इंटर मार देना है। जब आप आगे जाते हो, आपने फिर इंटर मार दिया इसमें, अब हमने इंटर मारना है, फिर से इंटर मार दिया। अब आपको क्या करना है, बहुत इजी है, आपने सिर्फ वाई दबाना है कीबोर्ड से, वाई दबाते ही आपका डाटा रिकवरी स्टार्ट कर देगा। और ये आप बता रहा है कि आपकी जो है तीन चार फाइल रिकवर हो गई हैं। ये रिकवर कहाँ होती हैं और कहाँ मिलेंगी, ये इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और हम ए ड्राइव के अंदर जाते हैं, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये ए ड्राइव है, इसके अंदर चले जाते हैं, इसको हमने ओपन कर दिया। अब आपने ध्यान रखना है, इसके अंदर है रिकअप डायरेक्टरी, इस फाइल को आपने खोलना है। ये अब एक्स्ट्रा फाइल बनी है, यही आपका डाटा रिकवर कर रहे हैं, इसी के अंदर, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपका डाटा रिकवरी का डाटा मिलता है। ये आपने, ये फाइल है, इस फाइल को आपने ओपन करना है। ये आप देख सकते हैं मेरा जो डाटा है रिकवर होने स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ऐसे हम मेमोरी कार्ड का हो गया, पेन ड्राइव का हो गया, हार्ड डिस्क का हो गया, डाटा रिकवर कर सकते हैं। फॉर्मेट हो गया, डिलीट हो गया, वो डाटा रिकवर हो जाता है, या किसी ने कर दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही और लोगों को भी बताएं कि कैसे डाटा रिकवर होता है। और साथ में मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करें कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, तो मैं उसकी प्रॉब्लम का ज़रूर सोल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।